तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करेंगे नेटवर्क 18 मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर आज के दिन आधे परसेंट की गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक करंट लेवल पर 81 रुपए 90 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो के माध्यम से ये डिस्कस करेंगे कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बन सकते हैं और हमें स्टॉप लॉस किस प्राइस पर रखना चाहिए। स्टॉक के अंदर हमने 44 डेज का मूविंग एवरेज लगाया है। आप देख सकते हैं पहले स्टॉक के अंदर जो ट्रेंड था वो नेगेटिव ट्रेंड था, पर स्टॉक ने एक प्राइस के पास सपोर्ट लेवल बना लिया है, वो है 78 रुपीज। 78 रुपीज के पास स्टॉक ने एक सपोर्ट लेवल बनाया और यहां से स्टॉक के अंदर ट्रेंड चेंज होता हुआ नजर आया। नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड ट्रेंड बनाएगा। पहले स्टॉक के अंदर नेगेटिव था, अब स्टॉक के अंदर एक पॉजिटिव ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर में देखें तो रुकावट रेंज है 101 रुपीज के पास। स्टॉक इस पॉइंट पर हाई पर आता है, ऊपरी लेवल पर स्टॉक के अंदर एक गिरावट देखने को मिल रही है। दूसरा, जो स्टॉक के अंदर 44 डेज का मूविंग एवरेज प्राइस निकल के आ रहा है वो 92 रुपीज का आएगा, पर स्टॉक ने इस प्राइस को ब्रेक डाउन कर दिया है। अगर स्टॉक इस प्राइस से ऊपर होता तो इसको जो ट्रेंड होता है वो पॉजिटिव ट्रेंड की साइड ही चलता रहता, पर जब स्टॉक ने इस प्राइस को ब्रेक डाउन किया तो आप देख सकते हैं कि जो इसका ट्रेंड है वो हल्का नेगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव से हल्का नेगेटिव हो रहा है या कंसोलिडेट हो रहा है, मतलब सपोर्ट लेवल बना रहा है। अब स्टॉक के अंदर जो नीचे में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बनेगा वो 78 रुपीज का आएगा, क्योंकि इस पॉइंट पर देखें तो स्टॉक ने पहले भी 3 टाइम सेम प्राइस को रिटेस्ट करने के बाद एक रिवर्सल दिखाया है, मतलब स्टॉक में ट्रेंड चेंज हुआ है। साथ के साथ यहां पर भी देखें तो स्टॉक में थोड़े कंसोलिडेशन के साइन मिलते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब सपोर्ट लेवल बनाने के साइन मिल रहे हैं। तो अगर आपके पास स्टॉक है तो नीचे में 78 रुपीज का एक स्टॉप लॉस रखें, ऊपर के टारगेट 101 रुपीज।